तो राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने चंडीगढ़ में भी विरोध प्रदर्शन किया। यहां सेक्टर 18 में ईडी दफ्तर से थोड़ा दूर कांग्रेस नेताओं ने अपनी नाराजगी जताते हुए प्रोटेस्ट किया है। हालांकि ईडी दफ्तर के बाहर पुलिस की घेराबंदी होने के चलते कांग्रेसी यहां प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी ने तलब किया है, सवाल जवाब किए जाएंगे और उसी पर तो तमाम देश में, पूरे देश में तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस भी एक प्रदर्शन कर रही है चंडीगढ़ में और उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल मौजूद है। मैम, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इस प्रदर्शन को? देखिए, ये विरोध प्रदर्शन न केवल चंडीगढ़ में, दिल्ली में बल्कि देश भर में हो रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, एक ऐसी ऑटोनोमस बॉडीज जिनको कि इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहिए, लेकिन वो बीजेपी के दबाव में है, चाहे वो ईडी की बात हो चाहे सीबीआई की बात हो। जिस प्रकार से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को, हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को ईडी के संबंध भेजे गए हैं, मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी दुर्भावना से विपक्षी दलों पर इस तरह से राजनीतिक द्वेष की भावना से ये कार्य करने का काम कर रही है। इसको लेकर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग महात्मा गांधी जी की राह पर चलने वाले लोग हैं, हम सत्याग्रह के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, इसी के साथ साथ क्रांतिकारी भगत सिंह जी के जो है दिखाए हुए मार्ग पर भी चलने का हम लोग समझते हैं। विपक्षी दलों को इस प्रकार से कार्रवाई करके वो डराने का काम नहीं कर सकते, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो गोरों से नहीं डरी थी, अंग्रेजों से नहीं डरी थी। आज मुद्दों की लड़ाई है, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, बेरोजगारी एक मुद्दा है, महंगाई एक मुद्दा है, आर्थिक मंदी एक मुद्दा है, इनसे ध्यान भटकाने के लिए ईडी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जो कर रही है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इसी वजह से आज हम ईडी का जो कार्यालय है उसको घेराव के लिए यहाँ से जा रहे हैं। आप लोगों को प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पुलिस ने रोक लिया है, अगली रणनीति क्या रहने वाली है? देखिए, अगली रणनीति जो है, हम लोग विरोध प्रदर्शन जैसे कि यहाँ पर धरना दे रहे हैं पूरे देश भर में दिया जाएगा, और जैसा कि हमारे कांग्रेस आलाकमान का जो भी दिशा निर्देश होगा इसी प्रकार से हम जो है कार्रवाई करेंगे, लेकिन किसी प्रकार से भी सरकार की धक्काशाही हम लोग चलने नहीं देंगे। मैम, एक राजनीतिक सवाल भी है, राज्यसभा चुनाव है वो खत्म हुए हैं, आप लोगों ने ट्रेनिंग की, रायपुर गए, क्या ट्रेनिंग काम नहीं आई? बिल्कुल ट्रेनिंग काम आई, अच्छे ढंग से हमने प्रयोग किया। यहाँ पर भी सत्ता पक्ष ने हर चीज का दुरुपयोग करने का काम किया। जो नतीजे 5 बजे जिसकी काउंटिंग हो जानी चाहिए थी, आधी रात तक सेटिंग करने के चक्कर में मैं समझती हूँ इन मामलों को उन्होंने उलझाने का काम किया है, और यहाँ पर भी उन्होंने सत्ता का पूरी तरह से दुरुपयोग किया है। शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल हमारे साथ, इनका साफ तौर पर कहना है कि सीबीआई ईडी को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दबाव का काम कर रही है और इस प्रकार के शीर्ष नेतृत्व को इस प्रकार से बुलाना गलत है, और वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने अपनी बात कही। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालेमन, हरियाणा।